दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि चेन्नई की टीम आईपीएल जीते तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों कोलकाता की टीम को अंतिम ओवर में हराकर एसआरएच की टीम ने पॉइंट्स टेबल में सबसे खतरनाक बदलाव कर दिए हैं। आखिरकार आईपीएल 2023 में सबसे बड़ा स्कोर बनाकर एक बड़े अंतर से जीत दर्ज करके कैसे दोस्तों एसआरएच ने चेन्नई मुंबई यानी कि धोनी और रोहित तक की नींद उड़ा दी है। पॉइंट्स टेबल में अब ऐसे भी क्या बदलाव हो चुके हैं जिसके चलते बड़ी टीमों को डरना होगा। आखिरकार चेन्नई आरसीबी मुंबई की टीम कहां पीछे रह गई है, किसका क्या हाल है, साथ ही पर्पल और ऑरेंज कैप कौन होल्ड करता है, किस टीम का पॉइंट टेबल में क्या आंकड़ा है, दोस्तों सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए समझाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का आईपीएल कौन सी टीम जीत कर दिखाएगी, चेन्नई मुंबई या कोई और, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 में एक और नया दिन और एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया कोलकाता व सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में। आपको बता दें कि आईपीएल 2023 का रोमांच दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और अब तो ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि दोस्तों हर एक मुकाबला एक लास्ट ओवर मैच में तब्दील हो रहा है। और ऐसा ही एक और हाई स्कोरिंग लास्ट ओवर मुकाबला खेला गया कोलकाता नाइट राइडर्स व सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में। दोस्तों जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ वैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के खिलाड़ियों के बल्ले से तूफानी शॉट निकल रहे थे, सबसे ज्यादा हैरी ब्रुक के बैट से। दोस्तों हैरी ब्रुक ने अकेले 55 गेंद में 100 रन लगा दिए। ये आईपीएल 2023 के सीजन का पहला शतक है जिसमें 12 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शुमार थे। लेकिन दोस्तों ये सिलसिला केवल यहीं तक नहीं रुका। मयंक अग्रवाल और त्रिपाठी भले ही 9-9 रन पर फ्लॉप हो गए थे लेकिन इसके बाद मार्करम ने 26 गेंद में 50 रन लगाए। अभिषेक शर्मा नाम के युवा खिलाड़ी 17 गेंद में 32 रन लगाकर गए तो वहीं क्लासेन भी 6 गेंद में 16 रन बना चुके थे। दोस्तों इतनी तूफानी पारियां थी तो स्कोर तो बड़ा बनना ही था, पूरे 228 रन बन गए थे दोस्तों और जीतने के लिए चाहिए थे 229 रन अब केकेआर की टीम को। वैसे मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान में था तो जीत तो केकेआर की अब भी पॉसिबल थी। खैर दोस्तों चेज शुरू होता है और इतने बड़े चेज के लिए बड़ी पार्टनरशिप्स के साथ साथ बड़ी सिंगल पारियां भी चाहिए होती हैं जो आज केकेआर को मिली भी लेकिन उतनी सफल नहीं। दोस्तों केकेआर की टीम की तरफ से सबसे पहले गुरबाज शून्य पर आउट हो जाते हैं लेकिन उसके बाद एन जगदीशन एक छोटी व तूफानी पारी खेलते हैं 36 रन की। इसके बीच में वेंकटेश अय्यर और सुनील नारायण तो कुछ खास नहीं कर पाते लेकिन हाँ कप्तान साहब नीतीश राणा अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए 41 गेंद में 5 चौके व 6 छक्के जड़कर पूरे 75 रन बना देते हैं। दोस्तों रसल फ्लॉप रहते हैं और यही केकेआर की टीम को हार की तरफ धकेल देता है वरना रिंकू सिंह ने तो पूरे जूते के फीते कस लिए थे आज अपनी टीम को जिताने के लिए। आज भी दोस्तों इस खिलाड़ी ने 31 गेंद में 4 चौके 4 छक्के जड़कर 190 का स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा और 31 गेंद में 58 रन बना डाले। हालांकि अंतिम ओवर में 32 रन चाहिए थे और हर ओवर में तो 5 छक्के नहीं मिलते जिसके चलते उमरान मलिक के ओवर में केकेआर की टीम को 23 रन से हार का सामना करना पड़ा है। वैसे दोस्तों केकेआर की टीम पिछला मुकाबला जीती थी लेकिन लगातार सनराइजर्स हैदराबाद की जीत अब पॉइंट्स टेबल में भी बड़े से बड़ा उथल पुथल मचा चुकी है। क्या हुए हैं दोस्तों बड़े बदलाव इतने हाई स्कोरिंग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के बाद, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। अब दोस्तों पॉइंट टेबल की बात हो रही है तो सबसे पहले उस टीम की बात करते हैं जो इस समय में फिलहाल पॉइंट टेबल में सबसे नीचे बैठी है। दोस्तों सबसे नीचे बैठी है पंत की दिल्ली कैपिटल्स की टीम। अफसोस है कि पंत टीम का हिस्सा नहीं है और इसीलिए ये टीम 4 में से 4 मैच हार कर बिना किसी अंक के साथ -1.5 के नेट रन रेट के साथ सबसे नीचे है। इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम है। 3 में से 1 मैच जरूर जीता है इस टीम ने, 2 अंक जरूर बनाए हैं लेकिन नेट रन रेट -0.8 का। और दोस्तों उनसे ऊपर और कोई नहीं, 8वें नंबर पर आरसीबी विराजमान है। ये भी एक ही मैच जीते हैं, 2 अंक है लेकिन इनका भी नेट रन रेट -0.8 है जो इनकी दोनों की टीमों की मुश्किलें बहुत बढ़ा देगा। इसके बाद दोस्तों आती है 7वें नंबर पर इस मुकाबले में विजयी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। 4 में से अपने 2 मैच जीते हैं दोस्तों इस टीम ने, अपने पिछले लगातार 2 मैच जीतकर इस टीम ने 4 अंक भी बनाए और -0.822 का नेट रन रेट मेंटेन किया है। दोस्तों आपको लगेगा कि इनका नेट रन रेट भी नीचे 2 टीमों के बराबर है लेकिन इनके अंक तो ज्यादा है ना, इसीलिए अब इनका औदा दोस्तों आरसीबी और मुंबई से भी बढ़ चुका है पॉइंट टेबल में। खैर दोस्तों इनके ऊपर 6 नंबर पर पंजाब किंग्स की टीम है, 4 में से 2 मैच जीते हैं, इनके पास भी 4 अंक हैं लेकिन इनका नेट रन रेट -0.2 का है। तो वही दोस्तों टॉप 5 के क्लब में 5वें नंबर में जगह मिली है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को, इनके पास भी 4 अंक हैं, इन्होंने भी 2 मैच जीते हैं लेकिन इनका नेट रन रेट +0.2 है। और दोस्तों अब बात करते हैं टॉप 4 के क्लब की जहां पर हार कर भी अभी भी बरकरार है दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम
इन्होंने मुकाबले इतने बड़े अंतर से जीते हैं कि दोस्तों इनके पास भी चार ही अंक हैं, लेकिन इनका नेट रन रेट +0.711 है, जो बाकी टीमों से कई गुना बेहतर है। टॉप थ्री की बात करें तो तीसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम विराजमान है, 4 में से 3 मैच जीतकर पूरे 6 अंक कमा लिए दोस्तों इस टीम ने, और +0.341 का नेट रन रेट भी बरकरार रखा हुआ है। तो वहीं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात करें दोस्तों, इस टीम ने 4 में से 3 मैच जीते हैं, 6 अंक बनाए हैं, +1 का नेट रन रेट और दूसरे नंबर पर है। तो वहीं इस बार आईपीएल का सरताज जो है वो अभी तक राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जिनके पास भी 6 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट सबसे ज्यादा +1.5 का। दोस्तों अभी तक राजस्थान सबसे आगे है और सबसे नीचे है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या चेन्नई इस बार का फाइनल जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।